Hello everyone, welcome to class 9th. So, today I am continuing the next topics of Political Science Chapter 2 What is Democracy and Why Democracy? And our topic is today One Person, One Vote and One Value. So, in the previous chapter, we read about how the struggle for democracy was linked to the demand for universal adult franchisee.

डेमोक्रेटिक होती है तो कुछ कंट्रीज़ जैसे कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स गिवन हैं इन सऊदी अरेबिया विमेन डू नाट हैव द राइट टू वोट इट मीन्स डैट सऊदी अरेबिया में विमेंस के पास वोट डालने का राइट right? नहीं था राइट right? तो वहाँ पर उनको इस इसका मतलब वो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं थी क्योंकि अगर वो कंट्री डेमोक्रेटिक होती तो वहाँ पर वोट कोई भी डाल सकता था फिर चाहे वो मैन हो या विमेन हो कोई भी हो एंड द सेकेंड केस इज एस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट ऐसा ही एस्टोनिया में भी हुआ एस्टोनिया रशिया का ही एक हिस्सा है वहाँ पर जो कुछ रूल्स अप्लाई हुए थे जो सिटीजनशिप मिल मिलती थी वहाँ पर लोगों को तो वहाँ पर बहुत ही मुश्किल से लोगों को रशियन माइनॉरिटी वाले लोगों से आज़ादी मिली और बहुत ही मुश्किल से वोट डालने का अधिकार उनको प्राप्त हुआ इसी तरह से अगर फ़िज़ी का एग्जाम्पल लेते हैं हम तो फ़िज़ी में भी कुछ ऐसा ही हुआ इन फ़िज़ी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैन द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू दैन ऑफ एन इंडियन फिजियन फिजी का केस भी कुछ ऐसा ही है वहाँ पर भी सिस्टम uh, कुछ ऐसा था वहाँ पर इंडिजीनियस फिजियन लोगों की ही ज़्यादा वैल्यू थी इंडियन फिजियन लोगों को वहाँ पर उतने वैल्यूज़ नहीं दिए जाते थे तो ये थ्री एग्जाम्पल्स थे जहाँ पर कि लोग सफ़र कर रहे हैं उनको वोट डालने का अधिकार भी प्राप्त नहीं है ठीक है सो so, हमारी डेमोक्रेसी जो है इट इज़ बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी ये हमारा जो इसका प्रिंसिपल है जो फंडामेंटल राइट्स हमको जो कॉन्स्टिट्यूशन से राइट्स मिलते हैं उसमें ये सभी कुछ मेंशन होता है कि जो भी कोई डेमोक्रेसी है जहाँ पर भी वहाँ पर हर एडल्ट जो सिटीज़न होगा उसके पास एक वोट होगा और उस एक वोट उस पर्सन का होगा और उसकी एक वैल्यू होगी सो so, तभी इस टॉपिक का नाम है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू यानी एक ही पर्सन के पास एक वोट का उसे अधिकार प्राप्त होता है वोट डाल सकता है वो अपनी मर्जी से किसी भी पार्टी के लिए वोटिंग कर सकता है और एक ही वोट हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत कीमती होता है ठीक है उसकी बहुत वैल्यू होती है ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास ज़्यादा रिच हैं आप तो दो वोट डाल सकते हैं इट्स इट इज़ नॉट ओके सो इस तरीके का कुछ नहीं होता है आपके पास वन आप वन पर्सन हो वन वोट है और उस वोट की एक अपनी वैल्यू होती है गवर्नमेंट को बनाने में राइट right. इसी तरह से हमारा दूसरा टॉपिक है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स अब कौन कौन से रूल अप्लाई हुए जो लॉ वहाँ पर बने राइट right. अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं जिम्बावे का जिम्बावे अटेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980 एटी सिंस दैन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय जानू पी एफ द पार्टी दैट लेट द फ्रीडम स्ट्रगल जिम्बावे का एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं जिम्बावे को इंडिपेंडेंस वाइट माइनॉरिटी रूल था वहाँ पर तो 1980 में उनको इंडिपेंडेंस मिली और उससे पहले तक कंट्री पर जानू पीएफ नाम से एक पार्टी लेड करती थी उनसे स्ट्रगल करने के बाद उनको इंडिपेंडेंस मिली जानू पीएफ जो यहाँ पर पार्टी थी इसके लीडर थे रोबर्ट मुगाबे एंड ही हैज़ बीन रूलिंग द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस तक उन्होंने वहाँ पर रूल किया था उस कंट्री के ऊपर इलेक्शन हैव बीन हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वन बाय जानू पी इलेक्शंस वहाँ पर रेगुलरली होते थे और हमेशा जानू पी की जो पार्टी थी वो ही हमेशा जीता करती थी दे हैव वॉन द इलेक्शंस सो प्रेजिडेंट मुगाबे इज़ पॉपुलर बट ऑल्सो यूज इज़ अनफेयर प्रैक्टिसज इन इलेक्शंस इट मीन्स डैट रोबर्ट मुगाबो जो थे वो पॉपुलर थे वहाँ पर लेकिन वो इलेक्शन में जीतने के लिए कुछ गलत तरीक़ों का इस्तेमाल करते थे अनफेयर प्रैक्टिस मीन्स कुछ गलत तरीक़ों का इस्तेमाल करके वो चुनाव जीत जाते थे

इंक्रीज़ होती जा रही थी और वहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी थी उनको उन पर हराशमेंट किया जाता था उनके साथ बहुत गलत बिहेवियर किया जाता था और मीटिंग्स होती थी उसको भी डिसरप्ट किया जाता था पब्लिक प्रोटेस्ट होते थे डिमॉन्सट्रेशन्स होते थे ठीक है और इन सभी चीज़ों को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता था सो देयर इज़ अ लॉ दैट लिमिट्स अ राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेजिडेंट टेलीविजन एंड रेडियो आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट इट मीन्स दैट टेलीविज़न और रेडियो भी उन्हीं के थ्रू कंट्रोल किए जाते थे गवर्नमेंट के थ्रू ही और, और वो भी सिर्फ टेलीविज़न और रेडियो भी जो रूलिंग पार्टी थी उसी के वर्जन के बारे में ही दिखाया करते थे सो देर आर इंडिपेंडेंट न्यूज पेपर्स बट द गवर्नमेंट हराचीज दो जर्नलिस्ट हु गो अगेंस्ट इट अपनी मर्जी से न्यूज़पेपर्स वो प्रिंट कराया करते थे यानी कि जो न्यूज़ वो चाहते थे वही प्रिंट होती थी जो भी उनके अगेंस्ट जाता था उसको वो उसको वो हराश करते थे सो द गवर्नमेंट हैज़ इग्नोट सम कोर्ट जजमेंट दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड प्रेश्ड जजेस यानी कोर्ट में जो जजेस वगैरह होते थे उनको भी प्रेशराइज़ किया जाता था उन्हें भी वो अपने अकॉर्डिंग ही काम कराते थे सो so, जो ये एग्जाम्पल है दिस एग्जाम्पल ऑफ दिम्बाबे शोज दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर्स इज नेसरी इन अ डेमोक्रेसी बट इट इज़ नॉट सफिशियंट एंड पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन भी अनडेमोक्रेटिक पॉपुलर लीडर्स कैन भी ऑटोक्रेटिक सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शन बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शंस इट मीन्स डेट इलेक्शंस की जो प्रोसीजर्स होते हैं उनको देखना ज़रूरी है लेकिन इलेक्शंस से पहले और बाद में किस तरह के प्रोसेस फॉलो हो रहे हैं वो देखना भी बहुत ज़रूरी होता है एंड देयर शुड भी सप्शन रूम फॉर नॉर्मल पोलिटिकल एक्टिविटीज़ जो भी पोलिटिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं उस टाइम पर उसके लिए एक जनरल सेम रूम होना चाहिए उस पर नज़र रखा जाए कि पॉलिटिकल आपकी जो पार्टीज़ हैं वो क्या कर रही हैं या फिर यानी कि पॉलिटिकल जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सब पर नज़र रखी जानी चाहिए ताकि कोई गलत काम ना हो और सबको जो हमारे जो सिटीजन हैं जो कंट्री के उनको बेसिक राइट्स मिले यानी सही नेता उनके लिए सही लीडर चुना जाए ताकि वो कंट्री को ठीक से सुचारू रूप से चला सके सो दे शुड बी फ्री टू थिंक टू हैव ओपिनियंस टू एक्सप्रेस दैम इन पब्लिक्स अपने ओपिनियंस को सभी के आगे एक्सप्रेस कर सकें और फ्री टू थिंक कुछ भी सोचने के लिए फ्री हो वो जनता में बोलने की आज़ादी हो उनके पास स्वतंत्र रूप से घूमने की आज़ादी होनी चाहिए एवरी वन शुड बी इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ लॉ की नज़रों में सभी इक्वल हैं और इक्वल होने भी चाहिए सो अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाई कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन राइट्स तो इसी तरह से Uh, क्या देखा जाता है कि जित जितने भी ऑर्डर्स हैं जो भी जुडिशरी से ऑर्डर्स दिए जाते हैं या उसको उसके अकॉर्डिंग फॉलो किया जाना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं टाइम टू टाइम उनको फॉलो uh, करना चाहिए तो वो गवर्नमेंट ने इसीलिए बनाया है क्योंकि हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो चुकी है जब कंट्री को आज़ादी मिल जाती है और हमें वोट देने का अधिकार भी मिल जाता है वोटिंग राइट्स आ जाते हैं हमारे पास तो हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीज़न कहलाते हैं सो आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाई डेमोक्रेसी तो डेमोक्रेसी एक कंट्री के अंदर क्यों होनी चाहिए हम इस बारे में अब डिस्कस करेंगे सो so इसके लिए कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी सो दिस कॉन्वर्सेशन एज मोस्ट ऑफ द आर््यूमेंट्स दैट वी रूटीनली हियर अगेंस्ट डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग बहुत सी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं जो हम डेली बाई न्यूज़ बाई टी हम ऑन एयर है सुनते हैं सो लेट इस गो ओवर सम ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स वो आर्ग्यूमेंट्स क्या होती हैं हम डिस्कस कर रहे हैं अभी सो फर्स्ट पॉइंट इज लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी दिस लेट्स टू इनस्टेबिलिटी डेमोक्रेसी में लीडर्स चेंज होते रहते हैं राइट सो डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले देर इज़ नो स्कोप फॉर मोरलिटी डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होता है सभी अपने अपने पावर्स का यूज़ करते हैं प्ले करते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में सो uh, so इसमें कोई स्कोप नहीं स्कोप नहीं होता मोरेलिटी के लिए सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी दैट इट लेट्स टू डीलेज बहुत सारे लोगों को कंसल्ट किया जाता है डेमोक्रेसी के लिए एंड इससे कुछ डिले भी हो जाता है कई बार कुछ चीज़ें देर से भी होती हैं एंड इलेक्टेड लीडर्स डो नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ़ द पीपल इट लेट्स टू बैड डिसीजनस कई बार क्या होता है कि जो लीडर्स uh, चुने जाते हैं जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं वो नहीं जानते हैं कि लोगों के लिए क्या सही है लोगों का किस चीज़ में इंटरेस्ट है तो ये थोड़ा सा उसके लिए बैड डिसीजंस में आ जाता है एंड डेमोक्रेसी लेट्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड इन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन और uh, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कभी कभी इसमें करप्शन भी हो जाता है करप्शन होने की uh, वजह से हमारे देश की इकोनॉमी वगैरह खराब होने का डर भी रहता है उससे एंड ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो वाट इज़ गुड फॉर दैम दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग और ऑर्डिनरी लोग जो होते हैं वो उनको नहीं पता कि उनके लिए क्या ठीक है वो सही से डिसीजनस नहीं ले पाते हैं तो इस तरह के कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो कि डेमोक्रेसी में होते हैं जो फेस करने पड़ते हैं हमारी कंट्री को राइट सो विच ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स अप्लाइज मेनली टू डेमोक्रेसी विच ऑफ दीज कैन अप्लाई टू मिस यूज ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच ऑफ दीज क्या एग्री करते हैं इन सभी चीज़ों से डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स इट हैज नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यानी डेमोक्रेसी ही जरूरी नहीं है कि हर चीज का सोलूशन है हमारे लिए इससे ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी कंट्री में हमारी कंट्री में जो पॉवर्टी है या वर्ल्ड के अदर पार्ट्स में जो पॉवर्टी है उसको हम दूर कर पा रहे हैं डेमोक्रेसी एज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली एंश्योर्स दैट पीपल टेक देयर ओन डिसीजनस सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको कुछ इस तरीके के बेनिफिट्स होते हैं कि आप अपने डिसीजनस खुद ले सकते हैं और आपके लिए क्या डिसीजंस गुड हैं क्या डिसीजंस बैड हैं या आप खुद डिसाइड कर सकते हैं पीपल कैन मेक मिस्टेक्स इन्वॉल्विंग द पीपल इन दिस डिसीज़न डज लेट टू डिलेज इन डिसीजन मेकिंग कभी कभी डिसीज़न मेकिंग में कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं जिससे कि हमें नहीं पता लग पाता कि हमने क्या डिसीज़न बनाया है तो डेमोक्रेसी में लीडरशिप में फ्रीकुंट जो चेंजेस आते हैं हमारे लीडर्स जल्दी जल्दी चेंजिंग चेंज होते रहते हैं सो समटाइम्स दिस कैन सेट बैक बिग बिग डिसीजनस एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट्स एफिशियंसी तो इस तरह की चीज़ें कभी कभी गवर्नमेंट की एफिशियंसी को इफ़ेक्ट uh, डालती है सो दीज आर्ग्यूमेंट शो दैट डेमोक्रेसी ऑफ द काइंड वी सी मे नॉट बी द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट दैट इज़ नॉट अ क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ द रियल रियल क्वेश्चन वी फेस इज डिफरेंट इट इज़ डेमोक्रेसी बेटर दैन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर देयर फॉर अस टू चूज फ्राम लेकिन फिर भी अगर हम देखते हैं तो हमारी जो कंट्री है जो डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हमको इस चीज़ का पता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री होने से हमें कुछ फ़ायदे होते हैं राइट right? हम किसी भी चीज़ को अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करने के लिए कोई भी डिसीजंस लेने के लिए हम आज़ाद होते हैं स्वतंत्र होते हैं सो होते हैं। so इसी में एक एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पर चाइना चाइना का एग्जांपल है नाइनटीन फिफ्टी एट टू सिक्सटी वन देअर वॉज अ वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमाइन इन वर्ल्ड हिस्ट्री नियरली थ्री करोड़ ऑफ पीपल डाइड इन दिस फेमाइन ड्यूरिंग दोज डेज इंडियाज़ इकोनॉमिक कंडीशन वॉज नॉट मच बेटर दैन चाइना येट इंडिया डिड नॉट had फेमाइन ऑफ द काइंड चाइना इकोनॉमिक थिंक दिस वॉज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द टू कंट्रीज एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडिया गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू फूड कैसिटी इन अ वे दैट द चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट सो यहाँ पर फैमाइन के बारे में आपको बताती हूँ चाइना की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक बार सूखा पड़ा था यहाँ पर नाइनटीन फिफ्टी एट सिक्सटी वन यानी अकाल पड़ा था यहाँ पर और ये यहाँ पर एक रिकॉर्डेड बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी कम से कम तीन करोड़ लोग यहाँ पर मर गए थे सूखा पड़ने के बाद और यहाँ पर क्या था इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो भी बहुत अच्छी नहीं थी अगर हम कंपैरिजन करें तो चाइना से सो so, वहाँ पर इकोनॉमिस्ट क्या सोचते हैं वो ये उनको ये लगता है कि जो रिज़ल्ट निकला वहाँ पे गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ का टू कंट्रीज़ के अंदर वहाँ पर फूड स्क्योरसिटी हो गई यानी खाने की कमी हो गई थी खाद्यान्न में कमी आ गई थी वहाँ पर सो दे पॉइंट आउट नो लार्ज स्केल फेमाइन हैज़ एवर टेकन प्लेस इतना बड़ा फेमाइन कभी नहीं हुआ जिस तरह से चाइना में उस टाइम पर हुआ था और वहाँ पर इफ़ चाइना हैड टू हैड मल्टी पार्टी इलेक्शन एंड अपोजिशन पार्टी प्रेस फ्री टू क्रिटिसाइज़ द गवर्नमेंट दैन सो मैनी पीपल मे नॉट हैव डाइट अगर वहाँ पर मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते तो इस तरह से वहाँ पे उस टाइम पर इतनी कंडीशन बुरी नहीं होती क्योंकि वहाँ पर एक ही उस टाइम पर रूल था तो इस वजह से पूरी कंट्री में तीन करोड़ लोग मारे गए थे ये नाइनटीन फिफ्टी एट सिक्सटी वन की बात कर रहे हैं हम सो so, इस एग्जांपल से हमें पता लग जाता है कि डेमोक्रेसी ही बेस्ट फॉर्म है गवर्नमेंट के लिए डेमोक्रेसी से बेटर कोई भी आ, फॉर्म नहीं है इसी से लोगों की नीड्स का पता लोगों नीड्स को पूरा भी किया जाता है जो भी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती हैं उससे वो एक ही डिपेंड करती हैं जिस वजह से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है सो अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही एक बेटर गवर्नमेंट है क्योंकि यही ज़्यादा अकाउंटेबल फॉर्म में होती है सो देयर इज़ अनदर रीजन शुड बी लेड टू बेटर डिसीजन दैन एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ कंसल्टेशन एंड डिस्कशन अ डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व मैनी पर्सन्स डिस्कशंस एंड मीटिंग्स डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों से डिसीजनस लिए भी जाते हैं कंसल्ट uh, भी किया जाता है लोगों से और डिस्कशंस भी होते हैं एंड वैन अ नंबर ऑफ पीपल पुड डेयर हैड्स टुगेदर दे आर एबल टू पॉइंट आउट सम मिसटेक्स इन एनी डिसीजन जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसी भी डिसीज़न के लिए हम कुछ डिस्कशंस करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पर जिससे कि जितनी भी मिस्टेक्स हुई हैं उस डिसीज़न के लिए सबको पता लग पाती है दिस टेक्स टाइम में टाइम लगता है लेकिन ये प्रोसेस से बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है एंड बिग एडवांटेज इन टेकिंग रिड्यूस देंज चांसेज रैश और इसिबल डिसीजन इससे क्या होता है इससे चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं इ रिस्पॉन्सिबल नहीं ले जाते हैं दस डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग डेमोक्रेसी इम्प्रूव करती है जो हमारी क्वालिटी आती है डिसीजन मेकिंग की सो डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफ्रेंसेज एंड कॉन्फ्लिक्ट और ये जो डेमोक्रेसी है हमें एक तरीका भी मिलता है इससे हमें लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनसे बचने के लिए भी ये बेस्ट होती है इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड और ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट जब हम किसी सोसाइटी में रहते हैं तो हम बाउंड होते हैं हमारे बीच में कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं सभी के इंटरेस्ट अलग होते हैं सभी के ओपिनियंस अलग होते हैं सो दीज डिफरेंसेस आर पर्टिकुलरली शार्प इन अ कंट्री लाइक आस विच हैज़ बीन अमेजिंग सोशल डाइवर्सिटी हमारी जो कंट्री है उसमें बहुत अमेजिंग बहुत बढ़िया सोशल डाइवर्सिटी है जिस वजह से लोग अलग 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 रीजन से बिलोंग करते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं अलग अलग रिलीजन से हैं कास्ट भी अलग अलग है लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया की जो देखने को मिलती है हमारी सेक्युलरिटी बहुत ही अच्छी वर्क कर रही है सो so, उस हिसाब से हमारी कंट्री अलग अलग रीजनल रीजन्स हैं लैंग्वेजेस हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए तो हमारी कंट्री बहुत बेस्ट है सो डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स इस पर हम अपनी डेमोक्रेटिक कंट्री में हम हमसे कुछ मिस्टेक्स भी होती हैं जब हम कोई डिसीज़न लेते हैं तो उसको भी हम करेक्ट कर सकते हैं यानी हमें चांस मिलता है सो देर इज़ नो गारंटी दैट मिस्टेक्स कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि डेमोक्रे अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में है तो हमसे कोई मिस्टेक नहीं होगी ऐसा नहीं होता है किसी भी काम को जब हम करते हैं हमसे मिस्टेक्स भी होती हैं लेकिन आपको ये डिपेंड करता है कि आपको कितना मौका मिल रहा है उन गलतियों को सुधारने के लिए सो डेमोक्रेटिक कंट्री में हम अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं टाइम टू टाइम द एडवांटेज इन अ डेमोक्रेसी इज़ दैट सच मिस्टेक्स कैन नॉट बी हिडन फॉर अ लॉन्ग इसका एक एडवांटेज भी है डेमोक्रेसी में हमें हम अपनी मिस्टेक्स को ज़्यादा टाइम तक हाइड नहीं करके रख सकते हैं देर इज़ अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन इसमें एक स्पेस होता है कि पब्लिक डिस्कशंस होंगे और मिस्टेक्स को ठीक किया जाएगा एंड देर इज अ रूम फॉर करेक्शन करेक्शन के लिए वहाँ पर रूम्स भी होते हैं आइदर द रूलर्स हैव टू चेंज दियर डिसीजंस और द रूलर्स कैन बी चेंज या तो उन डिसीजंस को चेंज किया जाता है जो हमने डिसीजंस लिए हैं या फिर उन रूलर्स को चेंज किया जाता है हमारे डिसीजंस के थ्रू सो so, इस तरीके की कोई एक्टिविटी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं होती है लेट सम इट अप डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट एवरी थिंग एंड इज़ नॉट द सोल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स बट इट इज़ क्लियरली बेटर दैन एनी अदर ऑल्टरनेटिव दैट वी नो And it offers better chances of a good decision. It is likely to respect people's own wishes and allows different kinds of people to live together even when it fails to do some of these things. And it allows a way of correcting its mistakes and offers more dignity to all citizens. That is why democracy is considered the best form of government. I hope you all understand this chapter very carefully. For the next chapter, we will meet in the next class. Till then, bye bye and take care.